घूमने के लिए निकले युवक की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया और बाद में उसके सिर में पत्थर पटक दिया। लापता युवक का शुक्रवार की शाम शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जो घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है। पवन भीर प्रजापति पिता भोला, उम्र 20 वर्ष, गोविंदगढ़ गुरुवार को करीब 11 बजे अपने चार दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया। रात तक जब युवक का कोई पता नहीं चला तो परिजन उसकी तलाश में लग गए। पूरी रात उसको ढूंढा लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। सुबह जब उसके दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने सतना जिले के ताला थाना अंतर्गत आनंदगढ़ के समीप युवक को आखिरी बार घूमते देखे जाने की जानकारी दी। शाम करीब 5 बजे स्थानीय लोगों ने आनंदगढ़ के जंगल में युवक को खून से लथपथ हालत में शव पड़ा देखा। घटना की सूचना मिलते ही ताला व गोविंदगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक के गले में धारदार हथियार से हमला किया गया था और बाद में उसके सिर में पत्थर पटक दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया लेकिन आरोपियों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि योजनाबद्ध तरीके से युवक को आनंदगढ़ जंगल में लाकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। आरोपी ने पहचान छिपाने के उद्देश्य से युवक पर पत्थर पटका था। घटनास्थल से पुलिस को टूटा हुआ चाकू व खून से सना पत्थर बरामद हुआ है। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में उसके दोस्तों पर घटना की सुई घूम रही है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर जानकारी एकत्र करने में लगी हुई है। युवक उन्हीं के साथ घर से घूमने के लिए निकला था। रास्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें युवक की इस तरह निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई? इस घटना के बाद से युवक का मोबाइल लापता है, जो उसके पास नहीं मिला। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आरोपी घटना के बाद उसका मोबाइल लेकर चला गया या फिर हाथापाई में वह जंगल में कहीं गिर गया। मोबाइल की तलाश में शनिवार की सुबह पुनः पुलिस घटना स्थल के आसपास सर्चिंग करेगी। वहीं युवक के मोबाइल को साइबर की मदद से भी ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। मोबाइल के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुआं में भी युवक का शव तालाब में मिला है, जिसकी हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए परिजनों ने चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लगातार जिले में हो रही हत्याएं, लूट की घटनाओं से जहां जिलेवासी दहशत में हैं, वहीं प्रशासन अपनी आंख बंद कर रखा है। सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि जनप्रतिनिधियों की आंखों में भी बढ़ रहे अपराधों को लेकर पट्टी बंधी हुई है। किस कारण से लगाया है जी? कल मेरा एक भांजा है अरविंद पटेल, उसको यहाँ पे तालाब में मार करके फेंक दिया गया। कल हमने जा करके गुमसुदी और बाय नेम जिस तरह चार तीन बंदों का हमने नाम लिखाया है। उसकी कहाँ गुमसुदी की लिखवाई थी खबर आपने? खबर हमने कल शाम को 6-7 बजे के लगभग लिखवाया। कौन से थाने में? थाने कोतवाली थाना। कौन से तालाब की घटना है जहाँ? तालाब से। हाँ, कौन है आपके जो परिजन खत्म हो गए? वो मेरा भांजा है। हाँ। उसकी कल हमने जो रिपोर्ट लिखाया उसका अभी तक कोई भी जांच नहीं किया, कल से सुबह आज तक। अगर जांच होने से हो सकता मेरा भांजा जिंदा बच जाए।
और कल से आज सुबह तक। अब जब आज हमने मृतक पा गया तब आकर के उसको ढूंढ रहे हैं, हाँ ठीक है मिल गए, चलो अब जांच कर लेते हैं। अच्छा, आप क्या चाहते प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। न्याय ये होना चाहिए कि जो मुजरिम है उनके ऊपर धारा 302 कायम करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। मुजरिम का नाम क्या क्या है? मुजरिम का नाम बैजू, मंगल पांडे, वसीम। आपका क्या नाम है? मंगल पासी। आपका क्या नाम है? मेरा पवन सिंह। और जो खत्म हुआ कौन है आपके? वो अरविंद पटेल भांजा है मेरा। वसीम का है किसी का? वसीम और मंगल पासी। हत्या की आशंका के लेकर काम किया गया था, क्या पूरा मामला है सर? ये यहाँ पर अरविंद साकेत 20 वर्ष की अरविंद पटेल 20 वर्ष की उम्र का बालक है। उसके कुछ तीन लोगों से यहाँ पर जो इनके परिजन बता रहे हैं, वसीम, बिरजू, इनके साथ पूर्व में कुछ विवाद था मछली को लेकर, मछली मारने को लेकर के। ये लकौरी बाग में कोई तालाब है, वहाँ पर ये लोग मछली मारने जाते थे और मछली मारने को ही लेकर के इन लोगों का पहले का कुछ विवाद था। और जो इनके परिजन बता रहे हैं, कुछ दिन पहले से अरविंद का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है, तो सिटी कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। उसी को लेकर के कल इस अरविंद की जो बॉडी है वो तालाब से ट्रेस आउट हुई है। उसी को लेकर के परिजनों में आक्रोश था कि जितने जल्दी जल्दी हो सके उतने जल्दी जल्दी अपराधियों की धरपकड़ की जाए। क्या मांगे थे सर इनकी? ये इनकी मांगे ये हैं कि जो भी उनको उनको परिजनों का आशंका है कि अरविंद की हत्या की गई है, और उसको लेकर के इनकी मांग ये थी कि जो तीन लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, वसीम, बिरजू और अन्य लोगों का, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। पकड़े गए हैं और क्या चाह रहे हैं? और यही चल रहा है, पुलिस उसको लेकर धरपकड़ कर रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, पूछताछ जारी है। जैसे जल्दी जल्दी हो जाएगा हम अपराधियों की धरपकड़ करके आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पथराव और लाठीचार्ज ऐसा यहाँ पर है कि कुछ बातचीत ज़्यादा हो गई थी पुलिस और परिजन को लेकर के, उसमें कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, पर अभी स्थिति शांत है और बाड़ी को भी पीएम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया है समझाई देने के बाद।